बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताएं भैया कैसे हैं। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि UPSC एंड UP SSSC से संबंधित किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो पॉलिटी का सेशन आप करने जा रहे हैं ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। किसमें? क्योंकि इसमें हम लोग पॉलिटी को सवालों के साथ डिस्कस करते हैं, यानी क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते हैं। इसका उद्देश्य न सिर्फ प्रैक्टिस है बल्कि कॉन्सेप्ट को सीखना भी है। इसके साथ साथ भैया अगर आप UPSC एंड UP SSSC से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन को भी कर सकते हैं। यानी अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, यानी इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस से जुड़ना होगा। अभी आप जो क्लास कर रहे हैं ये फ्री लाइव क्लास है। अगर आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ते हैं तो आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मनी इशू है तो इस समय स्कॉलरशिप योजना चल रही है। 11 बजे एक टेस्ट होता है संडे को। अगर इस टेस्ट में आप क्या करते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। और इसके साथ साथ सर एक ऑफर और चल रहा है, अगर आप 12 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो 2 मंथ का यानी 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। प्लस क्या है, हम प्लस के साथ क्यों जुड़ें, क्या क्या फायदे होंगे प्लस के साथ जुड़ने के, इसके बारे में हम लोग क्लास के अंत में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शुरू किया जाए कहानी। चले पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है, यानी कौन सी लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, यानी लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, धन या वित्त विधेयक को क्या करने में, पुरा स्थापन करने में। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने में। और तीसरा कह रहा है धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में। और चौथा कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि किन मामलों में, इन चारों स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए। खूब खुश रहिए भैया, खूब खुश रहिए आप लोग, खूब स्वस्थ रहिए। इन चारों स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़कर ये बताइए कि भैया कौन सा लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है ना। ये आपको बताने कि कौन सी लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, राइट। पोल दिया जाए, जुड़ चुके हो सभी लोग, पोल चाहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी आया करिए। सोचते रहते हैं कि मास्टर अभी प्रमोट कर रहा होगा तो प्रमोशन के दौरान क्या करने चले, अभी तो प्रमोशन चल रहा है, प्रमोशन के दौरान क्या करने चले, थोड़ी देर प्रमोट कर लेने तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एकदम नन्हे नन्हे कदमों से बढ़ेंगे और उसके बाद पहुंच ही जाएंगे कुल मिला के, है ना। थोड़ी बहुत देर में तो हम लोग कुल मिला के पहुंच ही जाएंगे, है ना। खैर चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है, यानी एक्सक्लूसिव पावर है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब समझिएगा जिससे धन विधेयक। यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, मनी बिल, ठीक है। एक बात समझना भैया, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, है ना। यस, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, नहीं, राज्यसभा में किसी भी कीमत पे इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ये इसमें तो ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, यानी लोकसभा की क्या है, अनन्य शक्ति है, क्योंकि ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, राइट। सेकेंड क्या कह रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के संबंध में। हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के संबंध में, तो ये समझिएगा भैया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव, ठीक है, आप लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं ना भैया। लोकसभा राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है, कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये इसमें क्या है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सेम पावर है, यानी दोनों को क्या है, समान शक्तियां हैं, है ना, महाभियोग के मामले में अगर देखा जाए तो। तीसरा कह रहा है धन विधेयक। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पर अगर हम मनी बिल की बात करें तो राज्यसभा क्या मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है, बोलो, राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है, नो। राज्यसभा मनी बिल को अमेंड कर सकती है, नो।
ना तो राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है, ना तो राज्यसभा मनी बिल को अमेंड कर सकती है। तो इसका मतलब लोकसभा की पावर ज्यादा है राज्यसभा की अपेक्षा, राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा की पावर ज्यादा है इन केस ऑफ मनी बिल, ना मनी बिल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है क्या कहते हैं, लोकसभा पावरफुल है इस केस में भी। लोकसभा मंत्रिपरिषद का उत्तर दायित्व, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 पढ़ा है ना, आर्टिकल 75 क्लॉज 3, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, यानी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो भैया भैया मेरे भाइयों एक बात बताइए, तो ये भी क्या होगा, ये भी राइट स्टेटमेंट होगा, ये भी राइट स्टेटमेंट होगा, और ये भी क्या होगा, राइट स्टेटमेंट होगा, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। बताइए सही है या गलत है, सही है राइट पक्का, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये मैंने ऊपर टेलीग्राम लिंक पिन कर दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई संवाद स्थापित करने के लिए। पहला सवाल था भैया, पहला सवाल था, फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का उत्साजन और सृजन, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या करना है, क्रिएट करना है और इसके साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करना है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल उससे रिलेटेड है, यानी कौन सा अनुच्छेद उससे रिलेटेड है, लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, अगर उसे एबॉलिश करना है या उसे क्रिएट करना है, तो क्रिएशन और एबॉलिशमेंट में दोनों में। अरे मात्र 59%, इतना सरल सवाल, कहां दिमाग है भैया, याद आ रही है क्या, मात्र 59%। आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 169 ये कहता है ना, 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर राज्य लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा अपने यहाँ एक प्रस्ताव लाए, राज्य विधानसभा अपने यहाँ एक प्रस्ताव लाए और 2/3 बहुमत से, यानी 2/3 मेजोरिटी से पारित करे और 2/3 बहुमत से पारित करके पार्लियामेंट को भेज दे, यानी संसद को भेज दे, राइट है ना। अगर राज्य विधानसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए 2/3 बहुमत से पारित करके संसद को भेज दे, यानी पार्लियामेंट को भेज दे, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती भी है और इसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश भी होती है। बोले जनाब यस और नो, इसी तरीके से बनती भी है और इसी तरीके से एबॉलिश भी होती है, पक्का। हाँ, इसी तरीके से बनती भी है और एबॉलिश भी होती है, दोनों सेम तरीका है, राइट ओके। तो और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर, और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन और एबॉलिशमेंट। ठीक, आज ये दो सवाल सरल है, बाकी आपके लाइक सवाल आ जाएंगे, टेंशन मत लो। ये दो सवाल सबसे सरल सवाल थे, एक ये वाला सबसे सरल था है ना, आज का सबसे हलवा सवाल, और एक ये वाला आज का सबसे हलवा सवाल। ठीक है, ये बताइएगा सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी है, सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी है, यानी सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, ये आपको बताना है। मात्र 72%। देखिए पार्लियामेंट में, संसद में, संसद में दो प्रकार की समितियां होती हैं, एक को आप लोग क्या कहते हैं, एक को आप कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी यानी कि अस्थाई समिति। अस्थाई समिति का मतलब ऐसी समितियां जो अस्थाई नेचर की होती हैं, परमानेंट नेचर की होती हैं, और एक कमेटी जिसको हम कहते हैं एडहॉक कमेटी यानी तदर्थ समिति। तदर्थ समिति परमानेंट नेचर की नहीं होती है, टेम्प्रोरी नेचर की होती है। ठीक है, ये टेम्प्ररी नेचर की होती है। एडहॉक समिति यानी तदर्थ समिति का निर्माण तब होता है जब किसी विशेष प्रयोजन के लिए, किसी बिल पर चर्चा करनी है, किसी विधेयक पर चर्चा करनी है ना, किसी बिल पर चर्चा करनी है ना, तो उसके लिए है ना, किसी विधेयक पर एक तरीके से ज्यादा स्टडी करने के लिए काम करी और गई। हाँ बिल्कुल, जैसे ट्रिपल तलाक के लिए इसमें दो प्रकार की कमेटियां होती है, एक को हम कहते हैं सिलेक्ट कमेटी ज्वाइन। अरे द हिंदू पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, न्यूज पेपर अखबार पढ़ते हो ना भैया, अखबार अगर पढ़ते हो तो देखो ये सिलेक्ट कमेटी ज्वाइंट कमेटी जैसा उदाहरण मिलता रहता है, वहां आता रहता है न्यूज पेपर में। स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी का मतलब जो परमानेंट नेचर की होती है, और स्टैंडिंग में तीन ऐसी फाइनेंशियल कमेटीज हैं, स्टैंडिंग में तीन फाइनेंशियल कमेटीज हैं जो आपके यहाँ एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पीएसी, एक एस्टिमेट कमेटी और एक कमेटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है,
तो इसमें जो ये प्राक्कलन समिति है भैया, प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30ों लोकसभा से होते हैं, ठीक है। 30 की सबसे बड़ी वित्तीय अस्थायी समिति कहलाती है, ठीक है। प्राक्कलन समिति, इसमें क्या होते हैं, इसमें सर 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, क्लियर है। चलिए अब आते हैं, आप अपने सवाल पर आइए। जो आज का आपका सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है, यानी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर विधि बना सकती है। सबसे पहला कह रहा है एमरजेंसी की सिचुएशन में, दूसरा कह रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य क्या करें, रिक्वेस्ट करें तब, तीसरा कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने में, और चौथा कह रहा है कि जब राज्यसभा इसके लिए कोई रेजोल्यूशन पास कर दे, यानी राज्यसभा जब इसके लिए कोई रेजोल्यूशन पारित कर दे तब। अब इसमें बहुत ध्यान से समझिएगा, देखो आपको पता है कि हमारे भारत देश का फेडरल स्ट्रक्चर है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब शक्तियों का विभाजन किया गया है तो ये बात आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि विषय बांटे गए हैं कि किन विषयों पर कौन कानून बनाएगा। यूनियन लिस्ट पर कानून कौन बनाएगा, संघ सूची के विषय पर कौन बनाएगा, राज्य सूची के विषय पर कौन बनाएगा, और ऐसे कौन से विषय होंगे जिस पर दोनों लॉ बना सकते हैं, है ना। तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ यूनियन बनाता है, राज्य सूची के सब्जेक्ट पर लॉ स्टेट बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट के जो विषय होते हैं समवर्ती सूची के, उस पर यूनियन और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं, है ना। तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि राज्य सूची के विषय पर जब राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, तो क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्या कोई ऐसी कंडीशन बनती है, क्या कोई ऐसी स्थितियां बनती हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पर लॉ बनाए या कानून बनाए, बनती है ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थितियां बनती हैं, पक्का। अच्छा, अब ऐसी स्थितियां अगर बनती हैं तो वही स्थिति आपसे ये पूछ रहा है, उसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको जवाब देना है, ठीक है, उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको जवाब देना है। हाँ, अंधेरा कायम रहे, त्रमराज किल्विस, ठीक है। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते, खूब स्वस्थ रहिए, खूब खुश रहिए, आप लोग खूब आगे बढ़िए। चलिए यहाँ एक बात समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो याद रखो कि राज्य सूची के जो विषय हैं, सामान्यतः ऊपर टेलीग्राम लिंक है मेरा, इस टेलीग्राम लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे साथ जुड़ जाएंगे, यानी ग्रुप पे आप जुड़ जाएंगे, तो किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई संवाद आप वहां पर स्थापित कर सकते हैं, मेरे से बात भी कर सकते हैं, है ना। और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस विपुल 10 को लगा के आप प्लस भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पर 10% मिलता है। अच्छा, इधर ध्यान दो, राज्य सूची के विषय पर जो विषय हैं, मैसेज अलाउ नहीं है क्या, मैं अभी सही कर दूंगा उसको। राज्य सूची के में जो सब्जेक्ट हैं, यानी राज्य सूची में जो विषय हैं, इन विषयों पर, यानी राज्य सूची के सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है, स्टेट के पास है, यानी राज्य के पास है। सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में क्या है, राज्य के पास है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन आती है, क्या ऐसी कोई विशेष परिस्थिति बनती है जब राज्य सूची के विषय पर लॉ कौन बना सकता है, जब राज्य सूची के विषय पर लॉ संसद बना सकती है। यस, ऐसा होता है, ऐसा है। तो ऐसा क्या, राष्ट्रीय आपातकाल, ये भी राइट 352 है ना। नेशनल इमरजेंसी के दौरान जब स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, हाँ या ना, यही क्वेश्चन पेट के टेस्ट में था। अभी तो मैं पहली बार इसको करा रहा हूं, मैंने खुद ही बनाया, कैसे हो सकता है, थोड़ा बदला होगा जरूर। 352, ठीक। अच्छा, दूसरा, 2 या 2 से अधिक राज्य अगर अनुरोध करें, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात की रिक्वेस्ट करें अपने यहां प्रस्ताव पारित करके, ठीक है, कि राज्य सूची के किसी विषय पर लॉ बनाया जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी संसद कानून बना सकती है, ऐसी कंडीशन में भी बना सकती है। यस, किसी इंटरन, अगर मान लो राज्य सूची का कोई विषय है लेकिन उससे संबंधित कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है, तो किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को भी क्या करने में, लागू करने में भी, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी को क्या करने में, लागू करने में। चौथा क्या कह रहा है, इसके लिए भी बना सकती है राज्यसभा जब संकल्प पारित करे। हाँ, 252, 253, 249, ठीक है, ये 300, 250 भी है अमित, 250, 252, ठीक है, 249, ये 250 का कॉन्सेप्ट है ना, 352 वाला जो लॉ बनाने का अधिकार है ये 250 में दिया गया है कि लॉ बना सकती है, ठीक है। एक स्टेट नहीं,
एक से अधिक स्टेट अपूर्वा, जब राज्यसभा इसके लिए संकल्प, तो ये है आर्टिकल 249 सर, अनुच्छेद 249 ये कहता है कि राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए और 2/3 बहुमत से पारित कर दे और राज्य सूची के किसी विषय को लोक महत्व का घोषित कर दे। अगर राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा लोक महत्व का घोषित कर देती है तो उस पर लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का हो जाता है, यानी संसद का हो जाता है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। कृषि बिल का कंडीशन सत्येंद्र, राज्य सूची का नहीं था, तुम देख कभी पढ़े नहीं हो ढंग से क्या? उसमें पूरी तरीके से राज्य सूची का मामला नहीं था, उसको ढंग से पढ़ो पहले। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? बताओ, ये तो बहुत ही बेहतरीन, मतलब बहुत ही छोटा सा सवाल है ना, इसको तो हर आदमी बता लेगा, इसको तो हर आदमी बता लेगा, जल्दी से बताओ। इसमें भी 86%, मतलब इतने सरल सवाल में 86% आ रहा है। अरे यार, ये तो पहला आर्टिकल है, पॉलिटी की शुरुआत करते हुए यहाँ से। हाँ, आर्टिकल 1 संविधान का अनुच्छेद 1 का पहला क्लॉज कहता है कि इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। भारत के दो ही ऑफिशियल नामों की चर्चा की गई है, एक इंडिया और एक दूसरा भारत, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, जम्मू द्वीप, ये सब कहीं नहीं लिखा हुआ है, सब कहीं नहीं लिखा हुआ। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। यूनियन ऑफ स्टेट अंग्रेजी वाला पढ़ा करिए, क्योंकि कभी कभी आ जाता है सेट ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये सब आ जाता है, जज्बाती नहीं होना है। राज्य यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन शब्द का प्रयोग, देखो भारत देश में फेडरेशन है ना, भारत देश फेडरल कंट्री है, भारत देश में संघीय व्यवस्था है, केंद्र और राज्य में शक्तियां बटी हैं, बट स्टिल यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि सेंटर की तरफ व्यवस्था झुकी हुई है, पोल हो गया है भैया इसका, क्योंकि सेंटर की तरफ व्यवस्था झुकी हुई है, केंद्र की तरफ व्यवस्था क्या है? झुकी हुई है। अमेरिका की तरह किसी समझौते के तहत भारत नहीं बना हुआ है, भारत एक शरीर की तरह है ना, भारत पहले एक देश है जिसमें अलग अलग क्या है, राज्य है, जैसे शरीर के अंगों को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे भारत के राज्यों को भारत से अलग नहीं किया जा सकता है। और भारत देश में संघीय व्यवस्था जरूर है, केंद्र और राज्य में शक्तियां जरूर बटी हुई हैं, लेकिन केंद्र की तरफ व्यवस्था बायस्ड है, यानी केंद्र की तरफ व्यवस्था झुकी हुई है। और इन्हीं इसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को सुवाब करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किस शब्द का प्रयोग किया? यूनियन शब्द का प्रयोग किया। क्लियर है? हाँ, यह एक मर्जर है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट है। अमेरिका की तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि ऐसा है कि आपस में अलग अलग राज्य बैठ के कुरकुड़े खाते हुए एक देश बनाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखना कुरकुड़े ना लिखना। चलिए, पूछ रहा है कि अगला सवाल क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर कमीशन का अधिदेश था? धर कमीशन मतलब समझ रहे हैं, धर कमीशन यानी धर आयोग। पूछ रहा है किस लिए गठित किया गया था, किस लिए गठित किया गया था, ये पूछ रहा है कि धर कमीशन ने क्या बोला, ये पूछ रहा है। सवाल बताओ क्या पूछ क्या रहा है, किस लिए धर कमीशन बना था, ये पूछ रहा है, या धर कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी, ये पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया था धर कमीशन, ये पूछ रहा है ना। हाँ, धर कमीशन क्यों बना था, ये पूछ रहा है। बताओ भैया, किस लिए बना था? टू इन्वेस्टिगेट द लिंग्विस्टिक डिविजन, है ना, भाषाई विभाजन की जांच के लिए, है ना। 1947 आजादी के बाद से ही साउथ इंडिया में इस बात की डिमांड शुरू हो गई थी कि भाषा के आधार पर बांटो। गुजराती अपना ढोकला लेके अलग डिमांड कर रहे हैं, साउथ इंडिया वाले तो है ना, तेलुगु वाले अलग उधर डिमांड कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तेज डिमांड वहाँ तेलुगु भाषियों में चल रही थी, है ना। जब इस तरह की ढेर सारी डिमांड, बहुत तेजी से डिमांड और आंदोलन चल रहे थे भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने के लिए, तो भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाए या ना बांटा जाए, यानी भाषाई विभाजन किया जाए या न किया जाए, इसके लिए अलग अलग समितियां बनी, इसके लिए अलग अलग कमेटीज बनी। और जिसमें एक कमेटी बनी, सबसे पहली जो कमेटी बनी इस बात की जांच करने के लिए, भाषाई विभाजन की जांच के लिए जो सबसे पहली कमेटी बनी, उसका नाम हुआ पहला कमीशन धर कमीशन, है ना। ये 1948 में बना, 1948 में बना। उसके बाद जो दूसरा बनी वो JVP कमेटी बनी, और तीसरी जो बनी वो बनी फजल अली, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा बताओ, धर कमीशन ने लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट किया था, रिजेक्ट कर दिया था? धर कमीशन ने लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट किया था, रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। इनने एक्सेप्ट किया था, रिजेक्ट कर लिया था, जेवीपी ने, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था धर कमीशन, ठीक है। फजल अली कमीशन ने
भाषाई विभाजन को स्वीकार किया था, लेकिन एक राज्य एक भाषा के आधार को, हाँ, कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट किया था। भाषाई विभाजन को इन्होंने स्वीकार किया था, लेकिन एक भाषा एक राज्य के कॉन्सेप्ट को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और आगे चल के इसी फजल अली कमीशन की सिफारिश पर ही क्या होगा, लिंग्विस्टिक डिवीजन होगा, ठीक है। इसी फजल अली कमीशन की सिफारिश पर ही क्या बनेगा, स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, है ना। हाँ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। चलिए, आर्टिकल 3 से संबंधित कॉन्सेप्ट है बताइएगा, अनुच्छेद 3 से संबंधित कॉन्सेप्ट है बताइएगा। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है, तो बताओ। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, सबसे पहला कह रहा है। दूसरा, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। अब इसमें सही उत्तर आपको बताना है, आर्टिकल 1 अभी आप लोगों ने देखा जो कि यूनियन ऑफ स्टेट की बात कर रहा है ना। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 और 4 भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है। अगर एक बार याद दिला दे रहा हूं मैं, आप याद करिए और याद करते हुए जवाब दीजिए कि आर्टिकल 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है, याद करते हुए आप लोग क्या करिए, जवाब दीजिए और बताइए क्या सीन है इसका। सही उत्तर आपको बताना है भैया, कौन सा राइट स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। ऊपर टेलीग्राम लिंक है भैया, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ऊपर लिंक पे क्लिक करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। वहां पर आप किसी भी प्रकार का कोई संवाद स्थापित कर सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों बातें एक ही है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 क्या कह रहा है कि संसद विधि के द्वारा, यानी पार्लियामेंट बाई लॉ, क्या संसद विधि द्वारा, यानी पार्लियामेंट बाई लॉ, संसद कानून बनाकर बाई लॉ विधि द्वारा क्या कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है ना। उत्तर प्रदेश का नाम बदल के कमला पसंद रखना है तो कर सकती है कि नहीं कर सकती है, बताओ। उत्तर प्रदेश का नाम बदल के कमला पसंद कर सकती है ना। किसी भी राज्य को, किसी भी दो राज्य को मिला के एक राज्य बनाए जा सकते हैं, है ना। किसी भी, हाँ, किसी भी एक राज्य को मिला के दो, बांट के 2 राज्य या 3 राज्य बनाए जा सकते हैं। किसी भी स्टेट की बाउंड्री को कम किया जा सकता है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाया जा सकता है ना, किसी भी स्टेट को बाउंड्री को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, नाम बदल सकता है। चलिए, अब एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, तो पार्लियामेंट बाई लॉ कर सकती है, यानी संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है, बोलो। तो इसके लिए जो कानून बनेगा वो सिंपल लॉ होगा, सामान्य ऑर्डिनरी लॉ होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, या इसके लिए 368 के तहत संशोधन होगा। इसके लिए सिंपल लॉ बनेगा या इसमें इसके लिए 368 के तहत संशोधन होगा, सिंपल लॉ बनेगा, राइट। तो इसमें दो के दोनों स्टेटमेंट क्या है, राइट स्टेटमेंट है पहला और दूसरा। देखो, आर्टिकल 1 एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, भारत की यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन ऑफ स्टेट, है ना, राज्यों का विलय, राज्यों का विलय यानी एडमिशन ऑफ स्टेट। और आर्टिकल 3 सर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की बात करता है, यानी भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर किसी भी राज्य की सीमा को इधर उधर करना है, नाम बदलना है, तो आर्टिकल 3, ठीक है। और करेगा कौन, संसद करेगी, कैसे करेगी, साधारण कानून बनाकर करेगी, राइट। और आर्टिकल 4 कह रहा है कि इन दोनों से रिलेटेड जो भी होगा वो 368 का अमेंडमेंट नहीं होगा बल्कि सिंपल लॉ बनेगा, राइट। चलो, ये दो की बात हम लोग कर रहे थे, वही आ गया क्या, नहीं कुछ और है। चलो देखते हैं, हमको लग रहा है राज्य कैसे बनेगा वो पूरी प्रक्रिया ही दे दिया है। कह रहा है भारत की संसद किसी राज्य में, आराम से पढ़िए, समय दूंगा मैं आपको, आराम से पढ़िए, बड़ा क्वेश्चन घबराइए मत, बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इसमें घबराने की खास जरूरत नहीं है। कह रहा है भारत की संसद किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, इसके बारे में कौन सी पद्धति सही है। अरे वही चीज है ना, 3 से रिलेटेड ही है। पहला कह रहा है साधारण बहुमत सामान्य विधायी प्रक्रिया से, दूसरा कह रहा है कि ऐसा रिलेटेड जो बिल आएगा पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेंगे, फिर राज्य विधानमंडल में भेजेंगे जो उसको प्रभावित होने वाला है। बस दो ही चीज लिखी है, उसके आगे क्या करेंगे ये नहीं लिखा है ना, उसके आगे क्या करेंगे ये नहीं लिखा है, दो ही चीज लिखी हुई है। लेकिन आगे भी बहुत सारा बड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन दो जो प्रोसेस लिखा है क्या ये दोनों प्रोसेस सही है, ये आपको बताना है। हर्ष कुमार जी, अभी आपकी स्क्रीन पर एक पोल दिखेगा जिसमें ABCD करके आएगा, जो आपको पसंद आए सर उससे टिक कर दीजिए, हालांकि आपने जो बताया है वो गलत है। हाँ, स्क्रीन पर ABCD का एक पोल दिखता है, थोड़ी देर बाद उस पोल पे ABCD आता है, आप ऐसे पुट से टिक करेंगे और हमारे पास पुट से आंसर पहुंच जाएगा,
ठीक है, आपको बिल्कुल जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, कमेंट में बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर नहीं आउट करना है, ठीक है, बस आपको क्लिक करना है, हमारे तक आपका जवाब पहुंच जाएगा, ठीक है। और बाद में कौन बनेगा पॉलिटिक किंग में, मैं आपको बताऊंगा कि आज का जो टॉपर होगा वो बनेगा पॉलिटिक किंग, ठीक है। रोज रोजाना की क्लास में एक किंग घोषित किया जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सब बनते किंग ही हैं। हाँ चलो समझना, किसी भी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र के अलग किसी राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग के साथ मिलाकर राज्य का निर्माण, तो भैया बस समझना जरा सा, आर्टिकल 3 से रिलेटेड, लेकिन स्टेट से परमिशन लेते हैं पूर्वा, पहले पूरा प्रोसेस देख लो फिर बोलो क्या प्रोसेस होता है देखना। जैसे उत्तर प्रदेश को दो भाग में बांटना है, ऐसे समझो, उत्तर प्रदेश को दो भाग में बांटना है तो संबंधित विधेयक आएगा, ठीक है, संबंधित विधेयक आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेंगे, प्रेसिडेंट से पूर्व अनुमति लेंगे, और प्रेसिडेंट से पूर्व अनुमति के बाद अब राष्ट्रपति से जब पूर्व अनुमति लेते हैं, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही ये लोकसभा या राज्यसभा में कहीं आएगा, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही ये संसद में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य के पास नोटिस भेजता है, संबंधित राज्य के पास नोटिस भेजेगा और बोलेगा भैया अपना सुझाव दीजिए क्या चाहते हैं, चाहे हाँ करें चाहे ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूर्वा आप समझिएगा, चाहे हाँ करें चाहे ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राज्य से सुझाव मांगा जाता है लेकिन राज्य के द्वारा दिए गए सुझाव को संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी राज्य जिसके लिए जो भी सुझाव देगी उसको मानने के लिए पार्लियामेंट बाध्य नहीं है, ठीक है, इसको मानने के लिए, वही तो बता रहे हैं अभ्युदय जी, सुनिए तो ध्यान से, राज्य के द्वारा, हाँ राज्य के द्वारा दिए गए सुझाव को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि राज्य की अनुशंसा से, जो राष्ट्रपति की अनुशंसा, इसका मतलब राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेते हैं, यस, विधेयक उन राज्यों के विधानमंडल को भेजा जाता है, यस, है ना, उन राज्यों के विधानमंडल में भेजा जाता है, लेकिन विधानमंडल चाहे हाँ करे चाहे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है, चलिए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद इसमें लोकसभा में पारित करेंगे, राज्यसभा में, कौन से बहुमत से पारित होगा भैया, सिंपल मेजोरिटी से पारित होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सिंपल, और सिंपल मेजोरिटी से पारित हो रहा है इसका मतलब ये कौन सी प्रक्रिया है, अब ये है सामान्य विधायी प्रक्रिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश से निकल के तेलंगाना बन रहा था, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू चिल्लाने लग गए, बोले आंध्र प्रदेश पर किया गया प्रहार हमारे सीने किया गया प्रहार होगा, गए दिल्ली जंतर मंतर धरना देने लगे, ठीक है, खूब धरना दिए कुछ नहीं हुआ, खूब धरना दिए कुछ नहीं हुआ, राज्य के पास भेजते जरूर है लेकिन राज्य के द्वारा दिए गए सुझाव को संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। अभ्युदय बाबू आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे, तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या है, राइट स्टेटमेंट है। खैर आर्टिकल 3 में शुरुआत में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा आर्टिकल 3 में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन बाद में 5वें संविधान संशोधन के द्वारा ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया गया आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 में पूरा का एक्सप्लेनेशन जोड़ के लिख दिया गया, भैया ऐसे ऐसे होगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, शुरुआत में लोग बहुत कंफ्यूज थे, ठीक है, हाँ पार्लियामेंटेरियन भी कंफ्यूज थे इसलिए कंफ्यूजन को समाप्त किया गया। आगे आते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं, प्रेजेंट सीएम के पापा थे, अब इतना खानदानी डिटेल तो हमारे पास नहीं है लेकिन अब तुम कह रहे हो तो हो सकता है। भारत संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहला भारतीय संघ अमेरिकन अमेरिकन फेडरेशन की अपेक्षा कैनेडियन फेडरेशन के भांति अधिक है, मतलब ये जो इंडियन यूनियन है भारतीय संघ है वो अमेरिकन फेडरेशन की तरह नहीं है, बल्कि अगर इसे कैनेडियन फेडरेशन से कंपेयर करेंगे तो उसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है, यानी उसके जैसा है ना, कैनेडियन फेडरेशन के जैसा है। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि रेसिडरी पावर जो आपकी होती है, अवशिष्ट शक्तियां, ये यूनियन में वेस्टेड है यानी यूनियन में नहीं है, भारत के संबंध में बताना है। तीसरा कह रहा है कि भारत संघ के राज्यों के पास पृथक होने का संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, राज्यों के पास पृथक होने का संवैधानिक अधिकार है, यानी भारत के राज्य क्या हो सकते हैं, भारत से अलग हो सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले शरीर वाला एग्जाम्पल बताए थे ना, पढ़िए आपके पास समय है, समय का भरपूर इस्तेमाल करें और ध्यान से सवाल को पढ़ें, सवाल को पढ़ने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक पोल दिखेगा जिसमें ए बी सी डी लिखा रहेगा, जो आपको पसंद आए उस पर कृपया धीरे से टिक करें, अगर आप उस पर धीरे से टिक नहीं करेंगे तो मोबाइल आपका फूटेगा, मास्टर का लैपटॉप नहीं टूटेगा, ठीक है। पोल दिखा दीजिए, हाँ पोल दिखा दिए भैया, देख लो, तुमको आंसर तो देना नहीं है बस तुमको देखना है, पोल देख के खुश हो जाओ। चलिए बहुत बढ़िया,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझते हैं। हाँ 15% लर्नर म्यूट करके क्लास ले रहे हैं, कैसे पता चला? आशीष तुमको दिखा रहा है क्या? हमको नहीं दिखा रहा है। समझो, भारत सर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है, तो यहाँ समझना जरा सा। अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में केंद्र और राज्य की तरफ शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य में किया गया है, ठीक है, लेकिन अमेरिका में स्टेट ज्यादा शक्तिशाली है, राज्य की तरफ शक्तियां क्या है? झुकी हुई है, ठीक है, राज्य वहां शक्तिशाली है, राज्य वहां पावरफुल है, लेकिन भारत देश में क्या है? भारत देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, भारत देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, यानी शक्तियों का वितरण किया गया है ना, केंद्र और राज्य में शक्तियां बटी हुई हैं, लेकिन केंद्र की तरफ झुकाव है, यानी व्यवस्था केंद्र की तरफ झुकी हुई है, और ये व्यवस्था केंद्र की तरफ झुकी हुई है, यानी केंद्र भारत देश में ज्यादा शक्तिशाली है, तो केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है, ये कैनेडियन मॉडल है। तो अब बताइए आप लोग कि भारत देश का यूनियन ये कैनेडियन मॉडल है या अमेरिकन मॉडल है? ये कैनेडियन मॉडल है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। अवशिष्ट शक्ति का क्या मतलब होता है? ऐसे विषय जिस पर लॉ यूनियन बनाता है, यूनियन लिस्ट के विषय होते हैं। ऐसे विषय जिस पर लॉ स्टेट बनाता है, स्टेट लिस्ट के विषय होते हैं। ऐसे विषय जिस पर लॉ स्टेट और यूनियन दोनों बनाते हैं, यानी केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के विषय होते हैं। लेकिन ऐसे विषय जो ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना तो स्टेट लिस्ट में है, और ना तो कंकरेंट लिस्ट में है, ऐसे विषयों को हम बचे खुचे विषय कहते हैं, यानी ऐसे विषयों को हम रेस्टोरी सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि ऐसे विषयों को हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे साइबर क्राइम, हाँ साइबर क्राइम, तो अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति हमारे भारत देश में यूनियन के पास है, यानी अवशिष्ट विषयों पर लॉ बनाने की शक्ति हमारे भारत देश में संघ के पास है। किसके पास है? अनुच्छेद 248 कहता है ये यूनियन के पास है। लेकिन यही सेम चीज अगर हम अमेरिका की बात करें तो, यही सेम अगर हम अमेरिका की बात करें तो स्टेट के पास है। अच्छा, भारत के राज्य भारत देश में अलग हो सकते हैं क्या? हाँ, भारत के राज्य भारत से नहीं, भारत एक शरीर है, जैसे शरीर के अंगों को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे भारत के राज्यों को भारत से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है भैया। तो ये स्टेटमेंट, ये अगर तीसरा गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, दो को आप एलिमिनेट करो, इन दोनों में आपको ढूंढना है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तो ढूंढ के आ गए बी, खोजते खोजते हमारी आंखें ये कजरौटा वाली आंखें इधर पहुंच गई, और ये क्या हो गया? सही हो गया। चलो, सबकी कजरौटा वाली नहीं, जिनने लगाया होगा उनकी, जिनने लगाया होगा उनकी। चलिए, भारत के भूभाग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा राइट स्टेटमेंट है? भारत के भूभाग के बारे में कौन सा सही है? इसमें राज्यों के भूभाग सम्मिलित है, फर्स्ट शेड्यूल में जो संघ राज्य क्षेत्र इसमें है वो सम्मिलित है, अन्य उपार्जित भूभाग यानी एक्वायर्ड टेरिटरी भी इसमें सम्मिलित है। चलो अब बताइए भैया, थोड़ा हिंट कर दूं, संकेत चाहिए, थोड़ा हिंट्स चाहिए। आर्टिकल 1 क्लॉज 3, जिनने पढ़ा होगा 2 मिनट में जवाब आ जाएगा। आर्टिकल 1 क्लॉज 3, जिनने पढ़ा होगा 2 मिनट में जवाब आएगा। अगर नहीं पढ़ा है आर्टिकल 1 का तीसरा क्लॉज तो फिर गड़बड़ है, फिर माहौल गड़बड़ है भैया। देखो सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन एक से लेके 51 तक तो इम्पोर्टेंट ही है ना, 1 से लेके 51 तक आपको आना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है आप जो है आर्टिकल बिखरे बिखरे करके आर्टिकल याद कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, मतलब याद क्या करना उसको समझ लीजिए। अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको वो अपने आप याद हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं अनुच्छेदवा कैसे याद करें, अरे अनुच्छेदवा याद करने की जरूरत नहीं, आंसर राइटिंग या करोगे जब ना तो अपने आप ही अनुच्छेदवा याद हो जाएगा। आंसर राइटिंग करोगे जब एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक को जब 10-10 सवाल लिखोगे, 20-20 सवाल लिखोगे तो अनुच्छेद नहीं अनुच्छेद का पापा याद हो जाएगा, ठीक है, समझना जरा सा। आर्टिकल 1 का तीसरा क्लॉज टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बताता है ना, टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में यानी भारत का क्षेत्र, यानी कौन कौन भारत के क्षेत्र में आएगा, कितना संविधान निर्माता कितने चलाक थे, कितना गजब लिखा इन्होंने, लिखा कि भारत के क्षेत्र में कौन आएगा, स्टेट आएगा, चलो ठीक है जानकार लोग थे लिख दिए स्टेट आएगा, ठीक है, फिर लिखा भारत के क्षेत्र में यूटी जाएगा जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, चलो जानकार लोग थे। इसके अलावा इन्होंने एक बात ऐसी लिखी बहु मस्त मजा आ गया, इन्होंने लिखा ऐसे क्षेत्र जो अर्जित कर लें, यानी ऐसे क्षेत्र जो एक्वायर करें, यानी अगर हम चाइना पर भी कब्जा कर लें तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में माना जाएगा। अभी हम जाए एक्वायर कैसे कर सकते हैं, एक्वायर विजय के द्वारा कर सकते हैं,
एक्वायर क्लेम करके कर सकते हैं, दावा ठोक के झंडा झंडा लेके जाए और झंडा गाड़ दे, ठीक है, कहीं मतलब समुंदर में एक द्वीप निकला और दौड़ते दौड़ते स्लीपर हाथ में, भागते भागते BSF के जवान जाए झंडा गाड़ गया इंडिया तिरंगा, ठीक है राम हमारा ये, ठीक है। तो दावा छोड़ के क्लेम करके ले सकते हैं, जीत के ले सकते हैं, या किसी संधि के द्वारा ले सकते हैं। संधि का क्या मतलब होता है? ट्रीटी के द्वारा ले सकते हैं। तो क्या है एक्वायर्ड, यानी किसी भी क्षेत्र को अगर एक्वायर करेंगे तो वो भी टेरिटरी। अब देखो आर्टिकल 1 का तीसरा क्लॉज बताता है भारत की टेरिटरी में कौन कौन है, तो भारत की टेरिटरी में राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, और जिसको हम एक्वायर करेंगे वो है, समझ गए। चलो आर्टिकल 1 के तीन क्लॉज हैं, तो इसमें तीन के तीनों वही लिखा हुआ है, ये तो इसमें सब सही होगा। यही वाला पोल दिया था ना, यही वाला पोल यही दिया था ना मैंने। चलिए आगे आते हैं, बाकी इससे ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। भारत तो देन दान देता है सर, दान देता है भारत, किसको दान दे रहा है भारत? भारत दान देता है हाँ बिल्कुल। चलो ये कह रहा है कि 1953 में जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग बना हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बना हुआ था 1953 में, उसमें कौन कौन शामिल था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953, इसमें कौन कौन शामिल था ये आपको बताना। बड़ा सरल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप पढ़े भी होंगे, आपको पता है ना। चलो खैर पहले बता लो फिर बताते हैं। पोल, अरे हम खुद पढ़ लेने दिया करो, मास्टर को पता ही नहीं चला आंसर, पोल पहले दे इतना तेज नहीं है मास्टर भाई, आंख आंख हमारा कोई चौराहा थोड़ी ना देखते ही तुरंत आंसर बता दे, हमें भी देखना पड़ता है कौन सा सही है, हमें भी तो देखना पड़ता है कौन सा सही है। हम थोड़ी ना, हमने जो है संविधान की पुस्तक थोड़ी ना घोट के पी ली है। खैर चलिए इसको समझिएगा जरा सा, क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन मतलब हमारे भारत देश में टू इन्वेस्टिगेट द लिंग्विस्टिक डिवीजन, भाषाई विभाजन की जांच के लिए तीन कमेटियां बनी थी। सबसे पहली कमेटी जो कमीशन बना था उसका नाम था धर कमीशन, दूसरा जो बना था उसका नाम था JVP कमेटी, तीसरा जो बना था उसका नाम था फजल अली कमीशन, और इसी फजल अली कमीशन फजल अली आयोग को ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। फजल अली आयोग को ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो फजल अली कमीशन में तीन मेंबर थे, एक तो इसके अध्यक्ष थे श्रीमान फजल अली, ठीक है, और एक थे जिनका नाम था KM परिक्कर, और एक थे जिनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू, कुंजरू नहीं कुंजरू, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। तो ये तीन लोग थे, और चेयरमैन कौन थे? श्रीमान फजल अली साहब थे। इसी फजल अली कमीशन की ही रिकमेंडेशन पर हमारे भारत देश में क्या बना? फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पर हमारे भारत देश में आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है, और इसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। जो 14 राज्य अब टिंगड़िंग निंगड़िंग करते हुए आज 28 की तरफ बढ़ाए हैं, और ये टिंगड़िंग निंगड़िंग करते हुए आज 8 की तरफ बढ़ाए हैं, ठीक है। ये था, ये पूरा का पूरा था। पहले क्या था? पहले 29 हुआ करते थे, 29 क्षेत्र, इसमें देखो ये ऐसे हुआ करता था, 9, 9, 10, 1, है ना, इस तरह से बटा हुआ था, एक नौ राज्य 10 और एक ही अंडमान निकोबार, ठीक है, इस मिला के कुल मिला के 29 हुआ करते थे। इस 29 को बांटा गया तो फिर 14 और 6 बनाया गया, फिर इसको ये टिंगडिंग निंगडिंग 28 पहुंचा, ये टिंगडिंग निंगडिंग 8 पहुंचा, अभी क्या है 28-8 है, क्लियर है। हाँ ABCD ग्रुप हुआ करता था। चलिए इसी फजल अली कमीशन को ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए भैया, सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था, यानी पहले ध्यान से समझना, सिक्किम के बारे में अगर हम देखते हैं तो सिक्किम का बड़ा खतरनाक सीन था, है ना, सिक्किम का बड़ा बढ़िया सीन था, ठीक है। पहले सिक्किम भारत देश में नहीं था, है ना, भारत में नहीं था, सिक्किम में चोग्याल गवर्नमेंट हुआ करती थी, बड़ा बवाल था, वहाँ की जनता चाहती थी कि हम भारत देश में क्या हो जाए, चाहती थी कि हम भारत देश में शामिल हो जाए, है ना। हाँ चलिए, ये तो बहुत सरल है, ये तो बहुत सरल सवाल है। देखो पहले क्या किया गया कि पहले 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत देश में शामिल किया गया, यानी सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया,
ठीक है, एसोसिएटेड स्टेट मतलब पूर्ण राज्य नहीं था, कुछ हाँ कुछ शक्तियां जो है क्या कहते हैं भारत के पास थी, बाकी जो है सिक्किम के पास ही पावर थी। ठीक, तो 35 से ये भारत का एक संयुक्त राज्य बना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी मतलब जिसको इमेजिन नहीं किए थे, है ना, संविधान संशोधन करके 35 के द्वारा। लेकिन उससे भी सिक्किम की जनता संतुष्ट नहीं हुई, सिक्किम की जनता संतुष्ट नहीं हुई और बोली कि हमको क्या बनाओ, हमको पूर्ण राज्य बनाओ। तो आओ देखो, इस सवाल का जवाब दो और बन जाएगा पूर्ण राज्य, इस सवाल का जवाब देना और बन जाएगा क्या, पूर्ण राज्य। ठीक है, तो इधर आ जाओ ना, ये देखो लिखा हुआ है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का कौन सा वाला राज्य बनाया गया भैया, कौन सा वाला राज्य, पोल दे दिया है। अच्छा, 2 में 36 लिखा है का, देखो ध्यान देना ध्यान देना, इधर भी 36 लिखा है, इधर भी 36 लिखा है, ऑप्शन में गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, आवाज गूंज रही है, तो क्या करें, मास्टर जहर काले क्या, ठीक है नहीं मानेंगे, चलो 36 36, अंग्रेजी में एक सी है। अच्छा, अंग्रेजी ज्यादा सही है क्या, चलो ठीक है छोड़ो, जाने दो यार, ये इधर 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 है, अब क्या करें छोड़ो, क्या करें जाने देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो 36वें कौन सा राज्य बना सिक्किम, सर सिक्किम 22nd स्टेट बना, यानी सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया, क्लियर है, हाँ 22वां राज्य क्या किया गया, बनाया गया। सिक्किम के पीछे की बड़ी कहानी है, अभी मैं जो है इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सिक्किम के पीछे की बड़ी कहानी है। ठीक, आयोग वाला काम कर दिया, अरे सही कह रहे हो, अब आयोग तो ऐसे भैया, देखो लोक सेवा आयोग स्टेट वाला जो है ना, उससे आप ये उम्मीद करके चला करो, 4-5 क्वेश्चन आप उससे ये करके उम्मीद चला करो कि वो लोचा करेगा, लेकिन उस पर डिस्कशन मत करो। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए अच्छी चीज ये होती है कि जो 4-5 क्वेश्चन गलत, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है जानते हैं, जब हम पेपर दे के आते हैं, एग्जाम हम दे के आए ना, तो हम उन्हीं 5 सवालों पर डिस्कस करते हैं जो गलत है, हम उसी 5 सवाल को मास्टर से भी पूछते हैं जो गलत है, उसी 5 सवाल पर हम ज्यादा अपना पूरा समय बर्बाद करते हैं जो मतलब जो डिस्प्यूटेड है। भाई उसको छोड़ दो यार, आगे का 145 पे ट्राई करो ना, उधर देखो, तो गलत चीजों पर डिस्कस करके अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। चलो आगे आते हैं, अंडमान ग्रुप डी में क्यों रखा गया था, वो सामरिक दृष्टि से हाँ बताएंगे, सृष्टि अगर पहला वाला देखा होगा तुमने तो पता होगा, अंडमान को रखा गया था उधर क्योंकि अंडमान एक, अंडमान की ज्योग्राफिकल स्थिति भी जो है पूरी तरीके से अलग थी, बाकी जो 3 ग्रुप बनाए गए थे ABCD के जो ग्रुप बनाए गए थे, ये कैसे बनाए गए थे जानती हो, एक में गवर्नर के प्रांत रखे गए थे, एक में बड़ी रियासतें रखी गई थी, एक में छोटी रियासतें रखी गई थी, है ना, एक में ब्रिटिश एरिया, एक में बड़ी रियासतें, एक में छोटी रियासतें, ठीक है। ये देखो ए से समझ लो एक में अंग्रेज वाला राज्य, बी से समझ लो बड़ी रियासतें, सी सी समझ लो छोटी रियासतें, और डी से क्या, अंडमान निकोबार, ठीक है, और अंडमान निकोबार सामरिक दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसका ज्योग्राफिकल एरिया और अलग से जो है क्या कहते हैं, इस वजह से ऐसा हुआ, इन तीनों से उसका भिन्नता थी ना, इन तीनों से उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन में भिन्नता थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भिन्नता थी, इसलिए उसे डी में रखा गया। चलो ये सवाल का जवाब देना भैया, कह रहा है मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित नहीं होते, मतलब क्या है भाई, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, हाँ गुड गुड समझ गए समझ गए, सरकार हर्ष बाबू अब बहुत समय लग जाएगा मेरे भाई ना, बहुत समय लग जाएगा ना, सरकार मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित भी कर सकती है, अरे वाह असत्य बताना, यानी सरकार मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शन गलत बताना, गलत ध्यान देना, गलत कथन का जवाब आपको देना भैया, हाँ ध्यान दो गलत, ट्रैप बता दिए, अधिकार वो होते हैं जिन्हें क्लेम किया जा सके, राइट्स वो होते हैं जिन्हें क्लेम किया जा सके, और संविधान के भाग 3 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में क्या दिया गया, बी नहीं है प्रतीक, पोल दिया है, पोल के थ्रू आंसर करिए, बी आपने गलत बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में यानी भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक क्या है, फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, लेकिन अधिकार हमें मिले हैं स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार, लेकिन क्या एब्सोल्यूट है, क्या अधिकार पूरी तरीके से आत्यंतिक है, आत्यंतिक का मतलब जो चाहो तो करो, स्वतंत्रता का अधिकार मिला किसी को मर्डर कर दोगे क्या, हाँ राइट टू मर्डर हो गया है, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ, किसी को चिढ़ाते हुए जा रहे हैं रास्ते में चाचा को रोक लिया, हेलो चाचा लो सुनो, चाचा कह रहे हैं क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आई हैव आर्टिकल 19, आई हैव आर्टिकल 19, हम चिढ़ाएंगे, छाता लेके जा रहे, किसी नाक तोड़ दिए, कह रहे हैं कि नहीं हमको राइट टू मूवमेंट है, राइट टू, हाँ राइट टू मूवमेंट है, राइट टू एक्सप्रेशन है, ठीक है, किसी की नाक तोड़ दिए, ठीक, तो क्या है ये, तो अधिकार कभी एब्सोल्यूट नहीं होते, और कभी भी कोई राज्य अधिकारों को एब्सोल्यूट तरीके से दिया भी नहीं जा सकता है, एब्सोल्यूट तरीके से दिया भी नहीं जा सकता है ना, आप रीजनेबल राइट्स को क्लेम कर सकते हो, है ना, तार्किक अधिकार को क्लेम कर सकते हो, तो अधिकार पर क्या है, मौलिक अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं,
बोलो सरकार क्या मौलिक अधिकारों पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है? बोलो यस और नो। यस, अभी कोविड के दौरान मंदिर जाने दिया गया क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको है ना। कोविड के दौरान मंदिर जाने दिया गया, मंदिर बंद कर दिए गए ना, तो क्या है? हाँ, तो क्या लगाया गया? रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए ना, तो यस मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो सब संविधान में अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा है लिखा है तो उसके आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। कानून के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं मौलिक अधिकारों पर, साथ साथ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा, न्यायिक व्याख्या के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। राइट, इसका जवाब एक बार फिर से दीजिए और आपका पोल वो दिखाएं, किंग को दिखाएं, किंग को एक बार फिर से दीजिए जवाब। हाँ, योर राइट्स योर टिल्स यू विल नॉट, हाँ आपके अधिकार तब तक हैं जब तक आप किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। भगवान नाराज भी हैं, हाँ भगवान बहुत नाराज है, क्या किया जाए। हाँ भैया 15 क्वेश्चन हो गए राधा, जल्दी जल्दी कराएं, इतना तेज तेज बोले हैं दिखाई नहीं पड़ा, देखो 15 क्वेश्चन हो गए, इतना तेज तेज बोला हूँ आज। हाँ दो चार सवाल और होते लेकिन आज के किंग हैं, अरे तुम ही किंग हो तभी बोल रही हो। हाँ आज के पॉलिटी किंग राधा, और दूसरे नंबर पर अर्जुन है, तीसरे नंबर पर आशीष, अजय और अमित, चौथे नंबर पर भैया अर्चित सुंबुल, पांचवें नंबर पर मोनिका पीसी और पूजा गुप्ता। आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई, खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और ऐसे ही लीडर बोर्ड में जगह बनाते रहिए। ठीक है, ऐसे ही आप लोग लीडर बोर्ड में जगह बनाते रहिए। प्लस के बारे में बात करते हैं कि अगर प्लस के क्या क्या फीचर, अगर आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या कर, अनअकैडमी प्लस के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं और मनी कोई इशू नहीं है तो जुड़ सकते हैं। टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, सारा का सारा सिलेबस कवर होगा, सारे सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी का मतलब समझते हैं, अनअकैडमी का मतलब ये नहीं है कि किसी एक बैच के लिए पढ़ना, सारी टेस्ट सीरीज फ्री, सारे मॉक टेस्ट फ्री। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब है कि अगर आप 2 साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं, 2 ईयर के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो 2 साल तक आप किसी की क्लास में घुस सकते हैं, 2 साल तक आप किसी की क्लास ले सकते हैं, 2 साल तक आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, 2 साल तक आप किसी भी बैच में बैठ के देख सकते हैं, 2 साल तक आप किसी का कुछ मतलब कंप्लीट एक्सेस, लीडर बोर्ड अब नहीं दिखेगा पूजा एक ही बार देखो, कंप्लीट एक्सेस मिलता है। ठीक है, और ये सारे बैचेस रिसेंट के आर ओ आर ओ का बैच स्टार्ट हुआ है, लक्ष्य बैच स्टार्ट हुआ है पूरा, है ना, कंप्लीट आपका प्रिपरेशन के लिए 2022 पीसीएस के लिए सारे टॉप एजुकेटर अवेलेबल है। 31 मई से आर ओ आर ओ का बैच 90 दिन का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, टेट के लिए भी बैचेस चल रहे हैं, पेट के लिए भी बैचेज आपके चल रहे हैं, और ये देखिए लक्ष्य बैच है। और हाँ सबसे बड़ी चीज तो ये है, मेंस के लिए आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे सर जीएस पेपर 1 आंसर राइटिंग शुरू हो गया है, पेपर 2 में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पेपर 1 में तो नहीं है, है ना, पेपर 2 में मैं रहूंगा इसमें। जैसे पेपर 1 में कौन कौन है, ओपी चौधरी सर ओरिएंटेशन सेशन लेंगे, जीएस पेपर 1 मेंस की बात हो रही है, तारिक सर लेंगे हिस्ट्री, नवाजीत सर ले रहे हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी ले रहे हैं कौन, अनूप उपाध्याय सर, और पोस्ट इंडिपेंडेंस दे रहे हैं अजय अनुराग सर। ये जीएस पेपर 1 का है, जीएस पेपर 2 भी आएगा। ठीक है, आंसर राइटिंग बैच आ रहा है लगातार, तो जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन है वो मैं लूंगा। ठीक है, आगे आते हैं, बाकी प्रीलिम के जितने बैचेज हैं ये सारे पेट वगैरह के बैच, मैं तो पेट नहीं लेता हूं। ठीक है, यूपी पीसीएस और आर ओ आर ओ के सारे बैचेज आप मेरे से भी पॉलिटी, मेरी पूरी कंप्लीट पॉलिटी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और ये पॉपुलर एग्जाम्स हैं, सारे के सारे पॉपुलर एग्जाम्स में आप इनरोल करके पढ़ सकते हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं आप पढ़ सकते हैं। मनी अगर इशू नहीं है तो बहुत कम फीस है सर, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए देते हैं, और यहाँ पर क्या है जो 1 साल का 6,300 और 2 साल का 7,560 रेफरल कोड लगाने के बाद आपको कंप्लीट एक्सेस मिलता है। अगर आप 3-4 हिंदी भाषी क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं, राज्यों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, 7,560 अगर आप 2 साल का परचेज करते हैं तो इसमें आप कंप्लीट जीएस पढ़ेंगे और प्लस कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अपने यहाँ अवेलेबल है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। जीएस में आप एक सब्जेक्ट के 4-4 एजुकेटर हैं, जो आपको पसंद आए आप उससे पढ़िए, जो आपको पसंद आए आप उससे पढ़ सकते हैं, तो ये फायदा होता है अकेडमी का। ठीक है, खैर थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, खूब खुश रहिए, मिलते हैं 8:15 रात को प्लस क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार। हाँ जहां मन करेगा चाहिए अकेडमी पर, 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर। हाँ भैया जिसकी क्लास में चाहिए उसकी क्लास, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे पढ़ते हैं, आप जो जिसको अच्छा लगे, पॉलिटी के 4 फैकल्टी, हिस्ट्री के 4 फैकल्टी, ठीक है, इकोनॉमिक्स के 4 फैकल्टी, ज्योग्राफी के 4 फैकल्टी, जो आपको पसंद है आप उससे पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप मेरा रेफरल कोड लगा के जा रहे हैं, मेरे से पढ़िए, आप किसी से भी पढ़िए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार।